अस्सलाम वालेकुम मंसिस भाई, मामला यह है कि अभी मैं आ चुका हूँ कराची से कोई 5 घंटे के सफर में कुंदरी शहर, जो कि मीरपुर खास के बिल्कुल साथ ही है। तो मुझसे बहुत से लोग कह रहे थे बंसी मंडी की वीडियो 8 महीने से मैं सोया हुआ था, लेकिन अब मैं जागा हूँ। तो मैंने कहा एक धुआंधार वीडियो के साथ वापसी आते हैं। तो आज मैं आया हुआ हूँ कुंदरी शहर, और यहाँ पे आया इसलिए कि 7 भाई जो है वो मुझे यहाँ लेके आए हैं, क्योंकि 2017 में हमने एक अराई सेटअप बनाया था और उस ख्वाब को एक कैटल फार्म में बनाने की हकीकत हम पूरी कर चुके हैं। तो आपको दिखाते हैं रफीक अराई कैटल फार्म, आइए। अच्छा भाई, तो हम आ गए हैं रफीक कैटल फार्म, आप जैसे देख सकते हैं। माशाल्लाह से ये 7 भाई ने इस बार, और उनके ये मतलब रफीक अराई जो हैं वो 7 भाई के नाना जाने, और ये जैन भाई भी हमारे साथ हैं, ये भी एक यूट्यूबर हैं। आपको इनकी चैनल का लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा यहाँ पे कहीं। तो हम आ गए हैं रफीक अराई कैटल फार्म, आप देख सकते हैं जानवर माशाल्लाह से। बेसिकली जो इनके कैटल फार्म की एक ये बहुत बड़ी खसूसियत है कि सिंध में आपको इस तरह के कलर का जानवर मिलता नहीं है, ये पंजाब नस्ल है सारी। तो ये देखें माशाल्लाह से शरीफ भाई जानवर फुल भगाते हुए चलाते हुए। तो सिंध में इस तरह का जानवर मिलता नहीं है, लेकिन ये पंजाब से लेके यहाँ पे आए हैं। और बात यह है कि मैं आपको एक एक करके जानवर सिनेमैटिक और हर चीज़ अभी आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरफ सारे जो हैं वो कुर्बानी के जानवर हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे भैंसें भी रखी हुई हैं, और मतलब ये भैंसों का आपको पता है पर्पज़ क्या होता है, दूध वगैरह और ये सब। ये देखें माशाल्लाह से स्माइल दे रही है भैया जी, स्माइल फॉर द कैमरा। तो यहाँ पे भैंसें रखी हुई हैं। इसके अलावा ये जो हैं ये बच्चियाँ जो हैं, ये इनका काम ये है कि ये ब्रीडिंग के लिए यूज़ होंगी ये सारी, क्योंकि अब कैटल फार्म बनाया तो अपनी ब्रीडिंग भी करनी पड़ेगी। थोड़े बहुत बकरे भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो आर दिस फॉर सेल और नॉट। लेकिन ये बच्चियाँ जो हैं ये भी ये फॉर सेल नहीं है, ये हमारे 7 भाई खुद आ गए हैं। तो ये बच्चियाँ जो है ये ब्रीडिंग के लिए ली हुई यहाँ पे भैंसें हैं सारी, और वो सारे कुर्बानी के जानवर हैं जो मैं एक एक करके आपको अभी सारे दिखाऊँगा। अच्छा भाई, तो एक तो धूप बहुत थी, ऊपर से बेसिकली हमने जो फार्म के लिए जो शूट करनी थी वो मैं करके आ चुका हूँ दोपहर में, थोड़ा रंग वंग चला के अपना फुल फिट। लेकिन अब मामला ये हैं कि शाम को दोबारा जाऊँगा मैं व्लॉग को कंटिन्यू करने, तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक आया, खाना वाना खाएंगे सब कुछ करेंगे ट्रैवलिंग में बाहर के खाने वाने। और फिर स्पेशली अब कुंदरी शहर, आप लोग में से आधे ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई शहर भी है, एग्जिस्ट करता है वो। खैर मेरी अब डिस्टिंक्शन बन चुकी है कि मैंने पहले पिछले साल खिपरो, गलीकाबाद, लश्कर शाह ये वाले शहर दिखाए थे, अब मैंने आपको कुंदरी भी दिखा दिया। मेरा तो हमेशा से काम है यूनिक कॉन्टेंट लाना मंडी के हिसाब से, छापना दूसरों का काम है। खैर तो ये है कि अभी हमने ब्रेक लिया, शाम को दोबारा जाएंगे और तब मैं व्लॉग बनाऊंगा। अभी जरा कंटेंट थोड़ा सा फार्म की प्रमोशन वगैरह के लिए था, अब मैं जाके व्लॉग कंटिन्यू करूंगा। और ये मैं मेरा मोबाइल है, इससे बस इतनी सी वीडियो बनी है, बाकी कैमरा और दूसरा फोन है वो उससे बन रही है। तो ये है कि अभी खाना वाना खाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया क्योंकि धूप बहुत थी, हमारी हालतें खराब हो गई हैं। अब हम दोबारा जाएंगे शाम में व्लॉग श्लॉग करने और जानवरों का वजन करने, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। अगला शॉट जो आएगा वो फार्म का ही आएगा। Few moments later. अच्छा भाई, तो शाम का टाइम हो गया और हम वापसी आ गए हैं फार्म पे, क्योंकि दोपहर में हमें धूप ने बड़े चमाटे कराए तो हम इसलिए ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाए थे। लेकिन अब जो है सारे जानवर मेरे पीछे हैं, जितने भी सिनेमैटिक वगैरह थे वो दोपहर में बन चुके थे, हालांकि धूप थी लेकिन डेडिकेशन टू द वर्क बहुत ज़्यादा थी तो हमने वो वीडियो भी बना ली। लेकिन अब ये है कि मैं शाम में दोबारा आया हूँ ताकि सारी एक सेंटिमेंट हम कैप्चर कर लें। सारे जानवर सब बाहर खड़े हैं, ये पीछे मेरे सारे बछड़े हैं, आगे सारी भैंसें वगैरह हैं आप देख सकते हैं, और वहाँ पे सारे बैठे हैं अपनी संगत लगा के एक। तो ये है कि अभी आज बस यहाँ पे काम करके कल दोबारा घर की तरफ निकल जाएंगे। सिर्फ 2 दिन का स्टे था, लेकिन ये था कि यू नो अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था तो मैं आ गया। कल रात को आया हूँ, रात को 1-3 बजे पहुँचाऊँ मैं यहाँ पे, यहाँ कवर करेंगे कैटल फार्म, और कल सुबह सुबह वापसी कराची पहुँच जाऊँगा क्योंकि मेरी क्लास भी होती है यूनिवर्सिटी की, तो 1 दिन की छुट्टी बनती थी, बाकी सब सेट सीन है। तो मामला ये है कि दिखाते हैं फिर आपको मामला तो क्या है, बस मामला करिए यार।
अच्छा भाई, तो बहुत सारे जानवर आपको दिखा लिए थे, अब मैं आपको थोड़ा सा एग्रीकल्चर वाली साइड पे लेके चलता हूँ, क्योंकि सारे बाग भी जो हैं वो सात भाई लोगों के हैं, उनके मामू के। तो यहाँ पे नींबू वगैरह लगे हैं, मैं आपको थोड़ा सा सेटअप दिखाता हूँ। वैसे तो मैंने अभी अपनी वीडियो देखी, उसमें मैंने अपनी जो हालत देखी है वो देख के मुझे अजीब सा ही लग रहा है, मेरी शक्ल अजीब सी हो गई है। मतलब आज दोपहर में, मतलब बहुत कड़कती धूप में काम किया है, लेकिन ये था कि करना था तो करना था भाई, फिर उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एग्रीकल्चर साइड भी दिखाता हूँ, क्योंकि जानवर बहुत दिखाता हूँ। अभी भी खैर हम जानवर पे ही बेस्ड हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बीच में ज़रा मूड चेंज करने का सिस्टम है, तो मैं आपको दिखाता हूँ नींबू के बाग, बताता हूँ कि इन्होंने किस तरह इसको पूरा ऑटोमेटेड किया हुआ है, कि पानी ये लोग खुद नहीं देते, लेकिन पानी बहुत कम पानी में बहुत अच्छी फसल तैयार होती है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा भाई, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पाइप वगैरह जो डाले हैं इन्होंने पूरी फसलों पे, ये सारे इन्होंने यहाँ पे पाइप डाले हैं, तो उससे होता है ये कि पीछे बस वॉल ऑन करते हैं और फसलों को पानी मिल जाता है। ये नींबू वगैरह इस पर लगे हुए भी हैं, ये लगा हुआ नींबू, ये इस पर नींबू वगैरह लगे हुए भी हैं, तो ये है कि अच्छी फसल यहाँ पे तैयार हो रही है। और ये सारा मतलब एग्रीकल्चर लैंड है और सिंध का लैंड है, तो मिसकंसेप्शन जो होती है कि पता नहीं कि सिंध की ज़मीन इतनी मज़े की नहीं है, लेकिन सारे काम होते हैं अगर आप करने वाले हों और आप करना चाहें तो। तो ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर साइड था हमारा, एग्रीकल्चर सेगमेंट था। अब हम वापसी चलते हैं जानवरों की तरफ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग को इस सब में मज़ा नहीं आता, आपको जानवरों में मज़ा आता, तो हम आपको वापसी जानवर दिखाएंगे। खैर ये है कि थोड़ी नॉर्मल सी वीडियो है, लेकिन ये है कि मैंने कहा वापसी आना तो ज़रा धमाके से आते हैं आप भाई, कैटल फार्म मंडी, ज़रा ऐसे शहर में जाके वीडियो बनाते हैं जो कभी किसी ने यूट्यूब पर ना बनाई हो, तो हम पहुँच गए और मामला थी। तो भाई ये जो है यहाँ पे अभी सारा आम और बेर यहाँ पे सारे लगाए हैं, तो ये है कि अभी ये सारे भी उगेंगे यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं पोल्ट्री फार्म की तरफ, वहाँ पे देखते हैं क्या मामला। तो भाई यहाँ पे आगे आके थोड़ा सा पोल्ट्री फार्म वगैरह भी बनाया भाई, ये देखें सारे बाग हैं यहाँ पे, इधर वो भाई बेर वगैरह सब यहाँ पे लगे हुए हैं, पूरा मतलब लंबा लैंड है, मौसम भी इस बड़ा अच्छा सा हो रहा है माशाल्लाह से। तो ये जो है वो पोल्ट्री फार्म है, अभी ये खाली है, इसमें चूज़े वगैरह भी आएंगे, लेकिन ये ओपन है ना, ये ओपन पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं मामला अभी खाली है, तो अभी अंदर क्या जाएंगे, लेकिन ये देखें माशाल्लाह से व्यू देखें, सीनरी देखें, मज़ा आ रहा है अभी बहुत। तो भाई ये नहर है, ये सामने दोबारा सारे फार्म्स वगैरह इधर यहीं पे हैं, ये नहर है जहाँ से सारा पानी जो है वो इरिगेशन सिस्टम बना हुआ है, कैनाल है ना, ये कैनाल है बेसिकली, तो यहाँ से सारा पानी आता है, फिर लोग फसलों को देते हैं, इसका कनेक्टिंग शॉट आ रहा है जो इधर ये पानी जा रहा है आगे, तो ये बेसिकली एक नहर बना हुआ है। अभी मौसम जो है वो अच्छा हो गया है, दोपहर में तो बहुत गर्मी थी, अब ये है कि आराम से वीडियोज़ बन रही हैं, तो व्लॉग कंटिन्यू किया है, दोपहर में बहुत कम व्लॉग बनाए, लेकिन अब उसको कंटिन्यू कर लिया है। यहाँ पर ये भाई साहब भी आ गए, अच्छा भाई, तो फार्म पे बेसिकली जो है ये सारे जानवर लिए गए थे पंजाब से ही, आपको सात भाई खुद जाके परचेज करके आया था, सात भाई बता सकते हैं कहाँ से भाई मेजर हमने परचेजिंग की है? ये मेजर हमारी परचेजिंग इसकी जो है शेखवान मंडी, और ये जो है दूसरी हमने सादकाबाद मंडी से सारे जानवर हमने खरीदे। ये पर एवरेज जानवर जो है हमें 1,10,000 रुपये का पड़ा था, जिसमें सिर्फ ये दो जो हैं, ये जो एक खड़ा हुआ और ये बैठा हुआ, ये एक साठ के थे, बाकी सब 1,10 की एवरेज पे हमें जानवर पड़े, वहाँ से ला के यहाँ पहुँचाने के खर्चे तक। अच्छा, अभी किस तरह इंप्रूवमेंट, मतलब जितने लाए थे मैंने वो वीडियो देखी है, मैं अगर मेरे पास हुई तो मैं अटैच भी कर दूंगा, तो ये मतलब डबल ही हो गए, तो ऐसा क्या ऑर्गेनिक पे है सारा सीन? सारा ऑर्गेनिक भाई, इसमें हमने कोई भी इनको इंजेक्शन या किसी किस्म की ऐसी वैक्सीन नहीं लगाई जिससे इनको नुकसान हो या एक्स्ट्रा वेट बढ़ाने के लिए, सब ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में अच्छी से अच्छी हम लोग फीड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो है हमारी गंदम दलिया ये सब चीज़ें, प्लस इसको आलू दे रहे हैं सुबह शाम, उसकी वजह से जानवर डबल वेट गेन कर रहा है। और जहाँ वैक्सीन का बात आई है वहाँ से मुझे याद आया, अभी आजकल जो है वो जिस तरह मैं देख सकता हूँ जानवर चमक भी रहे हैं, खुशहाल भी हैं, लेकिन लंपी स्किन डिजीज़ एक बहुत आजकल जोर पे है, तो आपने कैसे बचाव किया कि आपके पास नहीं आई अभी तक? पहले तो इस पर रिसर्च करनी पड़ी क्योंकि इसकी अभी तक वैक्सीन कोई नहीं आई है लंपी डिजीज़ की, तो फिर उसके बाद हमने जो है इनको अभी तो फ़िलहाल ये किया, क्योंकि हमारा एक तो वैसी साइड में एरिया कुंडरी शहर मेन कराची सिटी से दूर है, तो उसकी वजह से हमने जो है इनको जो है वो किसी का आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है इसमें,
और मतलब अब सिर्फ हमारे जो यहाँ बंदे काम कर रहे हैं सिर्फ वही यहाँ आ सकते हैं। और दूसरा ये इनको फिर स्किन की वैक्सीन अलग अलग लग रही हैं, दूसरी गोलियाँ टैबलेट्स अलग अलग दे रहे हैं ताकि ये डिजीज से बच सके जानवर। मतलब अगर आप नया जानवर भी कोई लाना चाहें तो अभी आप नहीं ला रहे क्योंकि वो स्किन डिजीज ना फैल जाए बाहर से, कोई ऐसा जानवर ना आ जाए। अभी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, बस ये जो हमारे थे ये तकरीबन इसको 5-6 महीने हमारे पास हो गए और अभी मजीद 3 महीने इनको हम अपने पास ही रखेंगे। मतलब आप जो आपने परचेजिंग की है उससे 9 महीने तक आपने पाले? हाँ 9 महीने पाले। ये सात भाई का इंटरव्यू था। ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ तो ये जो छोटे बहुत सवाल थे जो मेरे पास जिनके जवाब नहीं थे सात भाई के पास थे, मैंने आपको पूछ के बता दिए। तो जैसे उन्होंने बताया कि ये 2 160 के हैं, बाकी सारे 1 10 10 के लिए थे, ये इनके आधे थे। ये तो मुझे भी याद है, वीडियो भेजी थी ये फ़ौरन ईद के फ़ौरन बाद ही गए थे, मुझे याद है अपने बकरा ईद के फ़ौरन बाद अक्टूबर में गए थे ये, और मुझे याद है काफ़ी दिन लगा के आए थे, करीब बड़ी रिसर्च की इन्होंने। लेकिन ये है कि उन्होंने मंडियाँ ही बता दी किन से अच्छे जानवर मिलते हैं, किन से आपने किस तरह पालना है, जिस तरह आलू वगैरह का बताया, वैक्सीन वगैरह का बताया। तो ये थोड़ी सी आपके लिए बेनिफिशियल नॉलेज थी। बाकी जो परचेजिंग का एक्सपीरियंस था वो ये बताएंगे कि मंडियों में किस तरह परचेज किया जानवर। आप बता रहे थे ना हमारी हालत ऐसी थी कि लगता ही नहीं था कि हम सेठ लोग। हमने 7-8 शेर देखे, पहले मंडियाँ चेक की, पहले मुल्तान मंडी में गए, वहाँ से फिर हम भावलपुर आए, भावलपुर की मंडी चेक की, फिर उसके बाद हमने चोलिस्ताल में गए, रोड वगैरह फोटाबाद, फिर वहाँ से हम दोबारा सादकाबाद और शेखवान की मंडी, फिर वहाँ से आगे हमने शेखवान और रहीमजार खान की मंडियों से परचेज़ किया है, सादकाबाद और शेखवान। मतलब इतनी मंडियाँ घूमने के बाद आपको शेखवान की मंडी फिर समझ आई? हाँ, कौन सी दोस्त, एक तो शेखवान, दूसरी शेखवान और सादकाबाद, सादकाबाद की मंडी। तो आप तीनों साथ गए थे? हाँ, हम लोग तीनों साथ थे, एक वो जावेद भाई थे वो हमारे बैठे हुए, वो एक्सपर्ट हैं, वो पिछले साल भी हमारा जानवर उन्होंने ही पाला था। वो जावेद भाई बैठे हुए? हाँ, तो मेरे पास वीडियो है पिछले साल के जानवर की, मैं वो भी साथ अटैच कर दूंगा। थैंक यू आप सबका, आप लोगों ने बताया। तो भाई ये है, शुक्रिया, आप भी कराची से यहाँ तशरीफ लाए, हमें बहुत खुशी हुई आपसे। बात नहीं, तो साथ भाई ने कहा था तो हमने आना ही था। जी, हमें बड़ी खुशी हुई आज तशरीफ लाए। शुक्रिया जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो भाई ये था रफीक कैटल फार्म, फिर आपसे हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अब तो मैंने दोबारा ब्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया तो आते रहेंगी वीडियो। तब तक के लिए ठीक है भैया, पीस आउट। चल भाई ले जा आगे। खोल जा। चल, खोल 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 ही कर दे। तो ये हर मंथ जानवरों का वज़न होता है, अभी ये 487 kg है जिसमें 60 kg के शरीफ अंकल हैं, तो मतलब उसको माइनस कर देंगे तो 487 में से 60 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 427 शायद। हाँ 427 बचेंगे ना, तो इतना मतलब वज़न अभी इसका हो गया। हर महीने होती है वज़न और फिर पता लगता है कौन कितना बड़ा कौन नहीं बड़ा, किस में मसला है किस में नहीं है, तो फिर वो सारा हिसाब किताब रखते हैं साथ भाई। यहाँ पे कांटा वगैरह लगाया है उन्होंने यहीं पे कैटल फार्म पे, तो ये भी मामला बड़े हैवी हैं। इस तरह के अभी जो बछड़ा अभी हमने वेट किया उसने 26 किलो वज़न बढ़ाया, तो मतलब वो हिसाब किताब रहता है, हर चीज़ नपी तो लिया है।